कोलकाता में नबन्ना मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस के बर्बर एक्शन और गिरफ्तार के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने पुलिस एक्शन के खिलाफ बंगाल बंद बुलाया है। आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी की मांग है कि पुलिस गिरफ्तार किए गए छात्रों को बिना शर्त रिहा करे। वहीं मंगलवार को भी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी नेता धरने पर बैठे थे। यहां भी पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले तक दागे गए। घंटों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में संघर्ष चलता रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार की इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया है। छात्र समाज की मांग क्या थी? यही कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध पर दोषियों पर कार्रवाई हो, बंगाल की बेटी को न्याय मिले। ममता जी महिला मुख्यमंत्री होकर भी बंगाल के महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरीके से असफल रही हैं। बंगाल में ममता जी की ने निर्ममता और तानाशाही के सारी हदें पार कर दी हैं। चाहे भाजपा का कार्यकर्ता की निर्मम हत्या हो, संदेश खाली की और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस के दोषियों को बचाने के लिए सरकार और प्रशासन की मिलीभगत हो, सभी मामलों में बंगाल के तानाशाही मुख्यमंत्री का तानाशाह रवैया देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा को आपने सुना, उनके निशाने पर भी ममता बनर्जी और उनकी सरकार थी। कोलकाता में दरअसल इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाने के बाद अब पुलिस ने फोटो जारी की है। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया हैंडल से कुछ फोटोज जारी करके पहचान करने की अपील की है। ये वो फोटोज हैं, उन लोगों की फोटोज हैं जिन्होंने कल प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। और इस बीच हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नाराज हो गए हैं। राज्यपाल ने इसे तिरंगे का अपमान बताया, साथ ही कहा कि लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस ने जो कुछ भी किया उससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रदर्शनकारियों पर दनादन लाठियों की बौछार करने के बाद अब कोलकाता पुलिस ने एक्शन को और कड़ा कर दिया है। ये उन प्रदर्शनकारियों की फोटो है जिन्हें पुलिस तलाश रही है। ये फोटो कोलकाता पुलिस के एक्स हैंडल से जारी की गई है। पुलिस ने अपील की है कि लाल घेरे में दिख रहे इन लोगों के बारे में कोई जानकारी हो तो सीधा कमिश्नर दफ्तर या नजदीकी पुलिस को बताएं। फोटो जारी करने से पहले मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जिस तरह का एक्शन लिया उसकी जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो कोलकाता की सड़कों पर पुलिस की ज्यादतियों की कहानी बयान करने के लिए काफी है। कोलकाता के नबान यानी सचिवालय की ओर कूच करने पर डटे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने और महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों के साथ कोलकाता पुलिस ने अपराधियों जैसा सलूक किया। छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाले हावड़ा ब्रिज और सांतरागाछी इलाके में पुलिस ने किसी को नहीं बख्शा। जो भी प्रदर्शनकारी दिखा उसे इतने डंडे पड़े कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। पुलिस का सबसे रौद्र रूप हावड़ा ब्रिज पर दिखा। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने घेर घेर कर पीटा। एक एक छात्र को पीटने के लिए 10-10 पुलिसकर्मी लाठियां चला रहे थे। नबान सचिवालय की बिल्डिंग को कहते हैं, यहाँ ममता सरकार का हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी बिल्डिंग में बैठती हैं।
छात्र समाज के कार्यकर्ता ममता बनर्जी के ऑफिस का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन को ही अवैध घोषित कर दिया, छात्रों को इजाजत नहीं दी। जैसे ही प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज पर पहुंचे, पुलिस वालों ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। जब लाठी चार्ज की वजह से भगदड़ मची तो छात्र इधर उधर भागने लगे। पुलिस वालों ने उनका पीछा किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ कर मारा। इसके बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पकड़ पकड़ कर गाड़ियों में ठूंसना शुरू कर दिया। जो हाथ आया उसे घसीट कर पुलिस की गाड़ी में डाला गया। 27 अगस्त की शाम तक पुलिस ने 126 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 23 महिलाएं भी शामिल थी। हावड़ा में 94 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। प्रदर्शनकारियों से झड़प में 15 पुलिस वाले घायल भी हो गए। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने संयम से काम लिया, जिससे लोगों की जान बच गई। हाँ, आज कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कल स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद अगर हमने एहतियातन कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया होता तो आज हालात और भी खराब हो सकते थे। इससे आम लोगों की जिंदगी को भयानक खतरा हो सकता था। हम वैसा होने से रुक पाने में सफल रहे। आज हालात बुरे थे, लेकिन आज हालात इससे और भी ज्यादा खराब हो सकते थे अगर हमने एहतियातन गिरफ्तारियां नहीं की होती। लोगों की जाने जा सकती थी। हमारे पास कुछ व्हाट्सएप चैट हैं, उसमें लोग चर्चा कर रहे हैं कि लाशों के ढेर लगा देंगे, मारना है, इसके लिए हथियार जमा किए गए थे। इन सब की साजिशें की गई थी, इसीलिए लोगों की जानों को खतरे में डालने का षड्यंत्र रचा गया था। हम वैसा होने से रुकने में सफल रहे, वरना बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन हमने वैसा नहीं होने दिया। पुलिस आरोप लगा रही है कि प्रदर्शनकारियों के पथराव की वजह से उसे लाठी चार्ज करना पड़ा, लेकिन प्रोटेस्टर्स का दावा है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक घुस गए और पुलिस पर पत्थर चलाने लगे, ताकि पुलिस को लाठी चार्ज करने का बहाना मिल सके। পুলিশের নমুনা আমরা শান্তিপ্রিয় ভাবে মিছিল করছি, শান্তিপ্রিয় মে মিছিল কর রা ইধার হাত দেখিয়ে পুলিশ ক্যা কর রা হ্যায়, পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছোড় রা হ্যায়, ইয়া ছোটা ছোটা বচ্চা হ্যায়, বৃদ্ধ লোক হ্যায়, ফির ভি পুলিশ কেসে টিয়ার গ্যাস ছোড় রা হ্যায়, দেখা উধার এক পেশেন্ট হো গয়া উধার, এ বঙ্গাল কি রাজ হ্যায়, এ মমতা ব্যানার্জি, ইয়ে দেখিয়ে সৌরভ हॉस्पिटल ले आ गया है, इनको भी मारा है, बहुत पुलिस कह रही है कि बैरिकेड तोड़ा था। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा, हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईद मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमाएत है, बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। हम कादम्बनी का विचार मांगते हैं और मुख्यमंत्री का जो पदत्याग है यही मांगता है। जो स्वास्थ्य मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उसके वो मुख्यमंत्री अंदर के स्वास्थ्य मंत्री के अंदर में ये हुआ, इसलिए हम मुख्यमंत्री का पदत्याग चाहता है। कोलकाता पुलिस ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की थी, लोग हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारी नीचे गिर गए, कुछ बेखौफ होकर डटे रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पुलिस के इस एक्शन को तिरंगे का अपमान बताया है। What we saw on the streets of Kolkata is the worst. कलकत्ता की सड़कों पर जो देखा, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार से इससे बुरे की उम्मीद नहीं की जा सकती। हम न्याय चाहते हैं। प्रदर्शनकारी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, हाथों में तिरंगा लिए लोगों पर पानी की बौछार की गई, दाएं बाएं लेकर लाठियां बरसाई गई, निर्दोष प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह पीटा गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान किया गया, देश का अपमान किया गया। किस लिए? न्याय की मांग करने के लिए। जब हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के जघन्य रेप और मर्डर के बारे में सोचते हैं, न्याय की मांग करना समाज में मौजूद संवेदना को बताना है।
न्याय की मांग कर रहे लोगों को क्या मिला? उनके रास्तों को रोकने के लिए बैरियर पर बैरियर लगाए गए, लाठीचार्ज, धमकियां, दाएं बाएं पानी की बौछार, लाठीचार्ज। लेकिन याद रखिए, न्याय की आवाज जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल से आती है, जहां मन भय से मुक्त है और सिर ऊंचा है। कोलकाता पुलिस की लाठियों की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। हर तरफ से पुलिस से एक ही सवाल पूछा जा रहा है, इंसाफ की मांग करने वालों के साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई? जबकि कोलकाता पुलिस पत्थरबाजों की तस्वीर जारी कर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है।